हाँ तो मैं इससे पहले वाला व्लॉग अपलोड कर ही रहा था अभी, मतलब करके आया हूँ। दिक्कत है यार, मतलब वो पड़ोसी का वाइफ है तो दूसरी साइड बालकनी में जाओ, वहाँ खड़े रहो, कब चलेगा कभी नहीं चलेगा, बहुत ट्रबल। वो छोड़ो, तो ना एक मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं जैसे ही एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो IT स्टूडियो जो होता है, जिनको नहीं पता, मतलब उसमें तुम अपनी सारी जो वीडियो है ना उसके व्यूज़, एनालिट्स, सब सारी चीज़ें देख सकते हो, कमेंट्स वगैरह जितने भी आ रहे थे, रेशियो, वॉच टाइम, ये सब उसी में देखा जाता है। मेनली जो काम है वहीं से होता है, मतलब यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड। और तो मैं वो हर बार पहले डाउनलोड, मतलब वीडियो से पहले डाउनलोड करता हूँ फिर डिलीट कर देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं इतनी बार देखता रहता हूँ ना YT स्टूडियो, दिन में इतनी बार अगर वो डाउनलोडेड रहते हैं तो मैं अब डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि व्यूज़ तो नहीं आते। स्क्रॉल करता रहता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं डिलीट कर दिया। तो अभी जाऊँगा ट्यूशन 8:30, अभी तो 6:30 ही हो रहे, तब तक मैं सोच रहा था कुछ पढ़ लिया जाए, तो मैं जा रहा हूँ इको पढ़ने। पाए ऊपर लेकर आना है, 99 तक तो सोचना भी नहीं है, 99 वाले तो बहुत बतेरे हैं, सबको लात मारते हैं, पर तेरे को देखे भी नहीं पता, अगर तेरा आ भी गया तो 10th 12th के मार्क्स जो होते हैं पैसा देके जा सकते हैं भाई, यार अगर तेरा एक बार तो सिलेक्ट हो गया ना, बैंक वाले तेरे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, हमसे लोन ले लो, और नहीं तो क्या, बैंक जब तो निकलेगा ना वहाँ से, फिर एक ही पैकेज में सारा सब क्लियर हो जाएगा तेरा, उसका ब्याज भी फेंक के मारेगा मुंह पे ब्याज। और अपने अश्नीर गोवर ने कहाँ करा था ये, IIT दिल्ली के बाद दिल्ली, तो उसको अब कौन कैमरा नहीं भाई, ये देखिए मैं ठीक हूँ, बस अपने सवाल हमको दे दे ठाकुर, जब तक आपके सवाल चलेंगे मेरी खोज चलेगी। किसका है ये, गूगल ने अपने आप रीड आउट, अरे तेरे को भेज रहा होगा, तेरे तो आजकल सेट कोड सुन रहा है, हाँ तो जरूरत भी है ना, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ये भी तो बोल, घूम का आधा बोलता है साला, सुबह सुबह पहुँचा था कॉलेज, पागल है क्या, अभी तो बंद, अब तो पेपर हो गए, अब होली के बाद जाऊँगा ना, सेकेंड सेमेस्टर चालू होंगे ना, रिजल्ट तो सेकेंड में ही आएगा ना, अभी थोड़ी देंगे रिजल्ट, अभी एक तक पता क्या है, रिजल्ट नहीं आता, पता तेरे को, मत बताना मेरे को, मैंने पूछा है, रिजल्ट नहीं आता भाई, मैं बोला भाई फर्स्ट सेमेस्टर के बाद करें, सेकंड सेमेस्टर में बैठो, सेकंड सेमेस्टर के एंड में आएगा रिजल्ट, हां इतनी लेट आएगा हमारा ड्यू, ये देख चूती हुई इधर आ भाई, कितनी कितनी जा रही है, ये साइंस वाला है ना, हाँ फीस कितनी जा रही है, 4.5 लाख है, 3 साल, 1.26 एक साल की, अरे रॉ फीस लग जाती है 4.5, मेरी 1.20 है, तेरी लगी जाएगी, तेरी तेरा तो चल चलता भी है, मतलब पापा बहन का बिजनेस है तो दे सकते हैं, इतना आ रहा है, ये वाली बात है, उसका क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं, 3-3 साल रखी हुआ है, थोड़ी कुछ ज्यादा है, अपाची नहीं है तुम्हारे अभी अपाची नहीं आई, दुखती ना उसमें हाथ रख दिया, क्या बता तू, कब आ जाएगी चलिए बता दे, कंफर्म बोल देगी इतनी तारीख को आ जाएगी, अबे अब फिर तो कम से कम 2 जन्म लगेंगे ये बाइक आने में भाई, मतलब क्या कह रहे हो भाई, अरे मतलब दारू वाला कलर एडिटिंग में ना इसको तो ठीक कर लियो, इतना नहीं होता यार, टाइम ही कहाँ लगता है, नहीं यार भाई मट्टी डाल दूँ फिर मैं काला आ रहा अरे वो वाला फिल्टर, ये आगे निकल गई, वो आगे निकल गई मेरे से, मैं नहीं कर पा रहा अभी, ये इतना पढ़ चुका है ना कसम से, अब इसको हो गया है कि भाई ये कहीं निकल ना जाए, सुन तो मैं क्या, उस दिन मैं आया, मेरा पेपर था बिजनेस लॉ का, मैं आया चल थोड़ा पूछ लेता हूँ, बच्चों करने लगे रेश भैया, मुझे पता था कुछ नहीं पढ़ाएंगे, मैं देखा 2 लड़कियां बैठी है, एक इधर और पीछे ये घिस रहा है बैठ के, मैं बोला तेरे को सब आता है, तू 11 बजे वाली क्लास में उन बच्चों को आने दे जिनको जरूरत है, मैं बोला भाई तेरे को जरूरत है तू नहीं आ रहा,
मैं बोला नहीं भाई भाई क्लास थोड़ी ना थी, अरे टेस्ट देने आया होगा ना, टेस्ट चलते 11 बजे हां तो जिसको जरूरत है वो दिन आने चाहिए, तुम्हें जरूरत नहीं इसका भाई बहुत रोना है, इस घर पे बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, नहीं घर पे नहीं बैठना, ट्यूशन में करेगा उनके सामने, रिफ्लेक्स ना रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स इंग्लिश तो तुम्हारी ड्यू में जाने, मैनेजमेंट घर पे नहीं होती ना, घर पे वो हो जाता है, मैंने सब किया होता है यहां पे, तो लड़कियां मिस करता है तो घर पे, ओ हंस क्या रहा है, हंस क्या रहा है, सच है ये तथ्य है, कह रहा लड़कियों से नहीं पढ़ रहा, मैं बना के दिखाता हूं 2 मिनट में, अभी वही ऐसा हुआ है भाई, ये खुश हो जाता है खुश, कॉमर्स वालों को यही रहता है ना, कॉमर्स वाले पटाते हैं, इसका ऐसा है मैं बताता हूं, इसका ना डेडिकेशन वाला काम है वो अकाउंट्स पढ़ना, अरे वो लोग पढ़ते हैं उनका है कि आता है ये कर लिया तो कर लिया वरना रहन दिया वो वाली, इसका है जो सीए का बनना है डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, घुसा पड़ा रहता है उसके अंदर, तू 6 घंटा अकाउंट्स पढ़ाएगा ना, मैं 6 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा, यही उनको बोलेगा वो लोग नहीं पढ़ेंगे, वो 3 घंटे पढ़ेंगे अपना सॉल्व करके बैठ जाएंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं होगा, ये बंदा तेरा घर मेरा घर अनीस भैया का घर नीतीश भैया का घर ट्यूशन हिला देगा पूरा, क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से अभी बनवाओ, ये वाला है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, मेरा कल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, मैं थ्योरी पढ़ के जाऊंगा अकाउंट्स के पेपर में, सोच अकाउंट्स बनाने भी नहीं आते, और ये मैं सही बताऊं कॉमर्स में एक तो सब्जेक्ट है, अगर उसमें भी हक दिया तो क्या फायदा, ये बात तो मैं भी तेरे से एग्री करता हूं, तथ्य ठोक रहे हो भाई, बिजनेस भी तो इसी में है, वो सब तो चल इको यार मजा ही अकाउंट्स करने में, इको और मैथ्स तो मान ले साइंस में भी है और इको आर्ट्स में है, लेकिन बिजनेस अकाउंट्स अलग है, बिजनेस में भी तो होना चाहिए जैसे तुम बोल रहे हो, फिर तो बिजनेस चल लेता है, हो जाता है बिजनेस, बिजनेस लेवल की सबसे बेकार थी, मैंने पढ़ी भी नहीं थी और सबसे बेकार थी भी लेवल की, मेरे लेवल में भी आया 12th में भी आया, अच्छी थी 12th की बिजनेस, अभी तू बिजनेस लॉ पढ़ी है तो मैं पढ़ रहा हूं, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैंने पढ़ा नहीं, एक दिन पहले पढ़ा पर मजा आया पढ़ने में, सीए में तो आएगा ही, सीए के फाउंडेशन में आता है बिजनेस, खुश जैसे ही किसी अलग सब्जेक्ट का नाम सुनता है ना खुश हो जाता है, सीए में तो आएगा ही, ये तो रहेगा ही, तू कुछ तो कर, तू कुछ क्यों नहीं कर रहा, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, क्या मैं सीयूईटी ना भरूं तो यार ओपन से कर दूं तो, मेरे को भी यही पूछना था कि मैं सीयूईटी भरूं ना भरूं, क्योंकि मेरा मेरे को देख बीएड भी करना है, बीएड क्यों, टीचर क्यों बनेगा, मोशन पागल है क्या तू, जरूरी तो ये टीचर बनेगा, मतलब बीएड करके क्या करेगा, अगर टीचर तो भाई अगर कुछ नहीं है, मेरे कॉलेज में सब आते हैं जो ना चाहते हुए भी इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे लोग आज अनएक्सपेक्टेडली रिक्की मिल गया, पीयूष भी आ गया, कल पेपर है उसका बनवा दिया था, और शुभम भी मिल गया, तो एक अच्छा खासा मतलब एक अच्छा खासा छोटा पार्ट बन गया व्लॉग का, तो हाँ क्या 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 वो दूँ, क्या बोल दूँ उसे, क्या एंडिंग दूँ, ऐसे तो मैं एंडिंग देता नहीं हूँ, मतलब डेली कभी कभी भी मैंने आज तक एंडिंग नहीं दी व्लॉग में, मतलब 99% व्लॉग में एंडिंग नहीं दी, दो गुड नाइट, अब्बा खैर, सब्बा खैर, अनुपम खैर, जो भी है।